हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कसहरोछा भलहरोछा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। जो लोग कुमाऊनी हैं वो लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो मैं बोल रही हूँ कि कैसे हो, अच्छे हो। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। देखो, हम तो आए थे अल्मोड़ा से हल्द्वानी धूप सेकने के लिए, लेकिन यहाँ लग गया है कोहरा। तो भयंकर कोहरा लग रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना अपने अल्मोड़ा में जाकर तेज़ धूप सेकी जाए। तो आज का ब्लॉग यहीं से शुरू करती हूँ। ये देखो, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। ये कोहरा, अभी क्या पता थोड़ी देर में कोहरा छट जाए तो वीडियो की शुरुआत करूँगी। तोतों का झुंड आया हुआ है, इतने प्यारे लग रहे हैं तोते। और तोतों का झुंड आ गया है हमारे घर के पास। ऐसे झुंड मैंने पहली बार देखे। हमारे पहाड़ों में तो झुंड आते नहीं तोतों के। तोते दिखते ही नहीं है हमारे वहाँ, यहाँ तो तोते दिख रहे हैं। और मुझे ये तोते इतने प्यारे लगे कि मैं इनके नज़दीक पहुँच गई हूँ इनका वीडियो बनाने के लिए। कहीं उड़ ना जाए, मुझे डर लग रही है। चलो देखते हैं उड़ते हैं क्या करते हैं। और मैं देखा कि मेरी दीदी जी कुछ फटक रही हैं, तो मैं उनके पास गई और मैंने उनसे पूछा, दीदी आप क्या फटक रही हो? तो उन्होंने मेरे से कहा ये चूड़े हैं। और देखो गाइस, ये चूड़े पहाड़ी चूड़े हैं, गांव के, बहुत टेस्टी होते हैं। इनको कच्चा ही खाया जाता है। तो मैं उससे पूछ रही थी कि कैसे फटक लेती हो तुम, मुझसे तो होता ही नहीं है। फिर मैंने उसमें से थोड़े चूड़े निकाले और अपने मुंह में डाल लिए और मैं तो चले गई खेत की तरफ, क्योंकि धूप आ चुकी है और मुझे बनानी है लहसुन और धनिए की चटनी। तो मैं धनिया और लहसुन तोड़ने के लिए खेत में चले गई। कोहरा अभी हट गया है थोड़ा, तो मैं पत्ते तोड़ रही हूँ लहसुन के चटनी बनाने के लिए। तो जहाँ जहाँ पे पत्ते जो थोड़े से बेकार से हो रहे थे वो वाले मैंने तोड़े, बहुत ऊपर से नहीं तोड़े, जो थोड़े हल्के पीले पीले पड़े हुए थे वो वाले तोड़े। और उसके बाद मैं ढूंढ रही थी धनिया, कि मुझे कहीं से धनिया मिल जाए थोड़ा। ये प्याज का खेत है, इसमें प्याज लगाई थी थोड़े दिनों पहले। अब पौध थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, दो तीन महीने में इसकी फसल बन जाएगी, प्याज की बड़ी बड़ी गांठें हो जाएंगी। और लाई हो रही है बीच बीच में हरी सब्जी, ये हरा धनिया थोड़ा सा मिला मुझे। मैं अपनी दीदी को बोली कि इतना ही सा हो रहा है, तो बोल रही कि हरे धनिए का खेत है पूरा देख। तो मुझे तो कहीं पर नज़र नहीं आ रहा था हरे धनिए का खेत। फिर थोड़ा मैं इधर को आई, फिर ढूंढ रही थी लेकिन नहीं मिला मुझे हरा धनिया। इसी बीच मुझे हरे धनिए का खेत दिखा, लेकिन उसमें फूल आ चुके थे और बीज बन चुके थे, तो उसमें पत्तियां तो थी ही नहीं। तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल आए हुए हैं, हरे धनिए के बीज बन चुके हैं और जो सरसों हैं वो भी फूल रही है। तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये पेड़। और ये चने के पेड़ बोए हुए हैं, चने की फसल भी दो तीन महीनों में होगी। मैंने भी पहली बार चना देखा कैसा होता है चने का पौधा। और इसी बीच मुझे एक मूली मिली और मैं उस मूली को उखाड़ रही थी, तो बहुत ताकत लगी मुझे। और ये मटर की खेत है, मटर में भी फूल आ गई हैं, थोड़े दिनों में फलियां भी आ जाएंगी, तो हम मटर की सब्जी भी खा लेंगे। और ये मुझे एक मूली और मिल गई है, दो मूली मिल गई हैं, जो कि आधी ही निकली, मुझसे पूरी निकली। मैं कह रही हूँ मैंने हिला के निकाली फिर भी नहीं निकल पाई। और
अब मैं इधर भी देख रही हूँ कि क्या पता मुझे मूली और मिल जाए, लेकिन नहीं मिली मुझे मूली। अब मुझे किचन में जाना है और तैयारी करनी है खाने की। हाय मम्मी, क्या बना रहे हो? चटनी बनाने के लिए ना मैं भंगीरा बोल रही हूँ। भंगीरा क्या होता है? भंगीरा देखो, भांग का छोटा भाई बहन जो भी होता होगा, ये छोटा छोटा होता है, इसकी चटनी बनाते हैं। इसको भून लेंगे फिर इसकी चटनी बनाएंगे। आज मैंने रस बनाया है तो मुझे उसके तड़के की तैयारी करनी थी। तो तड़का मैंने सबसे पहले घी डाला। देखो टेम्परेचर कम होने की वजह से घी गल ही नहीं रहा है। और उसके बाद ये जम्बू है, ये जम्बू हाई एटीट्यूड में पाया जाता है, हिल्स पे पाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड बर्फ़ गिरती है वहाँ पे होता है। ये एक प्रकार की हर्ब्स है जो इस। फिर उसमें मैंने ऐड किया हींग और फिर इसको जलने के लिए छोड़ दिया है। घी तो पिघल ही नहीं रहा है ठंड की वजह से। और मेरा तड़का जलकर हो गया है रेडी। और ये हमने टेस्टी होता है। आप ये मत सोचना कि ये काला काला हो रहा है तो अच्छा नहीं है। हमारा खाना बनके रेडी हो चुका है। आज इतनी तेज भूख लग रही है कि मेरी आंख भी नहीं खुल पा रही है। और ये देखिए, सबसे पहले हमारा सैलेड माल्टा और मूली हमने काटी है। और ये हमारे बीए हैं, बीए बोलते हैं इनको, ठटवाणी के बीज होते हैं ये। हमारी रस है ठटवाणी। ये हमने भंगीरे की चटनी बनाई हुई है। और ये हमारा चावल है, भात। और ये हमारी आलू और बड़ी की सब्जी है। और ये लाई की सब्जी है। और ये हमने बनाई है मडवे की रोटियां, इसको हम खाएंगे घी के साथ अच्छे से। तो चटिए लाओ, भात दे दो मेरे को। तुम रोटी खाओगे? रोटी नहीं खा रहा मैं, रोटी नहीं खा रहा मैं, रोटी नहीं खा रहा ना। ले बोल मान जी, जा हिमांशु अपने मम्मी को बुला। मम्मी? हाँ क्या? इधर आओ। हाँ क्या बोल रही? इधर काम कर रहे हो? इनको ये सब ये बैठे हैं जो इनको सबको काम सौंप। क्यों? एक दो जने क्या क्या जो करते हैं, इतना बड़ा परिवार हो रहा है, काम करते करते थक जाएंगे वो। सबको काम बता। एक ही क्या काम करोगे बता दो रे। सब बता करेंगे। हाँ बताओ। अनिरुद्ध क्या करोगे आप? आटा गूंथ दूंगा। आटा गूंथ दूंगा मैं। आटा, चलो अनिरुद्ध आटा गूंथ लेगा। ओके तेजस, आप क्या करेंगे बेबी? जो है दो, जो क्या कहते हैं जो तुझे अच्छे से आता है वो कर भाई। आता तो मुझे कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं आता है? खाना तो आता होगा। खाना बनाना नहीं आता, बस पूछना आता है। पूछना आता? झाड़ू पोछा कर। चल तू झाड़ू पोछा कर ले। ठीक है, झाड़ू पोछा करेंगे हमारे तेजस भाई। और भाई हो गया, प्रीति बर्तन साफ करेगी, नानी सब्जी काटेगी, सब्जी काटेगी, अनिरुद्ध आटा गूंदेगा,
तेजस झाड़ू पोछा करेगा, हिमांशी रोटी बनाएगी, ओके, और मैं तो सारी काम देख लूंगी जो जो भी होगा, ठीक है। ये लोग अभी नहीं सुन रहे हो, देख कान में, चलो कोई नहीं, सुनेंगे इनके मनपसंद का खाना बनाते हैं आज। बोलो क्या खाओगे शाम को? मूली के पराठे। पराठे किस चीज के? बड़ी मम्मी के स्पेशल है। आपके स्पेशल पराठे? मूली के पराठे नहीं, मूली के पराठे नहीं। सबसे पहले नानी ने स्वीकार काम, तुमने तो जैसे काम बांटा मेरे को श्री गणेश साइड। और शाम का खाना भी डिसाइड हो गया है, Okay. दीदी तो करने लग गई है मूली के पराठे बनाने की तैयारी। हमारा पराठा बन के रेडी हो चुका है, मूली का पराठा। वाओ यम्मी, ये बन रहा है दूसरा पराठा। हाँ, एक पूड़ी के ऊपर अब डालेंगे दूसरी पूड़ी और इसको कर देंगे पैक और इसको हाथ से दबा देंगे बढ़िया तरीके से। अन्नी ले, इसको पलट के फिर इसको लगाएंगे हाथ से ताकत के साथ और अब इसको बेला जाएगा। ये और हमारा डिनर बनके रेडी हो गया है, मूली के पराठे, उस पर मक्खन और दही और अचार। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ क्योंकि मेरे मुंह में आ रहा है पानी। तब तक के लिए आप भी अपना डिनर कीजिए और आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। बाय।